हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लेट्स रॉक इंजीनियर पर। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कैसे आप अपनी गाड़ी की माइलेज को इंक्रीज कर सकती है और जो माइलेज कंपनी क्लेम करती है और जो माइलेज एक्चुअल रोड पे होती है, उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे आपको वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब हम कोई भी गाड़ी का एग्जांपल ले लेते हैं जिसकी कंपनी ये क्लेम करती है कि जो गाड़ी की माइलेज है वो 25 किलोमीटर पर लीटर आएगी जब आप गाड़ी को आइडल रोड कंडीशन में चलाएंगे। अब आइडल रोड कंडीशन क्या है? जब आपकी गाड़ी कॉन्स्टेंट स्पीड पे चलेगी बिना गियर को चेंज करे। मान लो आप गाड़ी को 60-80 किलोमीटर की स्पीड पे चला रहे हैं तो कॉन्स्टेंट स्पीड जो है वो कॉन्स्टेंट रहनी चाहिए और जो गाड़ी में वेट है वो कम से कम होना चाहिए, मतलब कि गाड़ी को सिर्फ एक ही बंदा चलाए। तो लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं होता। जब भी हम गाड़ी को रोड वगैरह पे चलाते हैं तो ब्रेकर भी आते हैं, जिसकी वजह से जो गाड़ी है वो कॉन्स्टेंट स्पीड पे नहीं चल पाती और हमें बारी बारी गियर भी चेंज करने पड़ते हैं। और साथ में एक्चुअल में क्या होता है, जब भी हम गाड़ी को चलाते हैं तो हमारे साथ बहुत सारे बंदे बैठे होते हैं, जिसकी वजह से जो गाड़ी का वेट बढ़ जाता है और जिसकी वजह से जो गाड़ी माइलेज है वो कम देती है। तो अब हम आपको बताएंगे कि कैसे आप ऐसी टिप्स करें जिससे भी जो आपकी गाड़ी है वो माइलेज को, मतलब माइलेज ज़्यादा दे सके। दोस्तों, सबसे पहली टिप है वो है मेंटेन टायर प्रेशर। जो आपकी गाड़ी के चारों टायर होते हैं, आपको क्या करना है, उनका जो टायर प्रेशर है वो मेंटेन रखना है। आपको ये कैसे पता चलेगा, जो ड्राइवर की सीट होती है उसके राइट हैंड साइड में यहाँ पे एक स्टिकर दिखाई दे देगा, वहाँ पे पता होता है कि यहाँ पे जब चार बंदे बैठे हो गाड़ी में तो टायर प्रेशर इतना होना चाहिए और पाँच बंदे बैठे हो गाड़ी में तो टायर प्रेशर इतना होना चाहिए। तो दोस्तों, सेकंड पॉइंट है मेंटेन स्पीड। अब क्या करना है, जब भी आप अपनी गाड़ी वगैरह को चलाते हैं और आपकी गाड़ी 60 या 80 की स्पीड पे है और आपकी गाड़ी फिफ्थ गियर में चल रही है, तो आपको कोशिश करनी है कि जो आपकी गाड़ी है वो 60 या 80 की स्पीड पे ही चले और जो आपको बारी बारी गियर भी चेंज नहीं करना। और मान लो अब आप कोई ट्रैफिक वाले रोड पे अपनी गाड़ी चला रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आपकी गाड़ी 10 या 20 किलोमीटर पे ही चले और जो आपका गियर है गाड़ी का वो चेंज ना करे बारी बारी, इससे जो आपकी गाड़ी की माइलेज है वो इंक्रीज होगी। तो दोस्तों, अब जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है एसी कंडीशन। एसी कंडीशन में क्या है, बहुत से लोगों को लगता है जब हम एसी को ऑन करते हैं तो जो हमारी गाड़ी की माइलेज है वो कम होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब आप एसी को बंद करते हैं तब आपकी गाड़ी की माइलेज पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। क्या होता है, जब भी आप एसी को बंद करते हैं तो मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं, अपनी गाड़ी के जो विंडोज़ हैं उनको डाउन कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो बाहर की हवा है वो गाड़ी के अंदर आती है और गाड़ी को वो बैकवर्ड पुश करती है और जो हमारी गाड़ी का इंजन है वो गाड़ी को आगे की तरफ धकेलता है, मतलब कि वो फॉरवर्ड पुश करता है गाड़ी को, जिसकी वजह से हमारे जो गाड़ी का इंजन है उसको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है और हमारी गाड़ी की माइलेज है वो कम होती है। तो इसको सही करने के लिए आपको क्या करना होगा, जब भी आप अपना एसी ऑन करें तो उसे स्पेसिफिक पीरियड के लिए ऑन करें। जैसे आपने एसी ऑन किया तो उसको थोड़ी देर बाद आप एसी को बंद कर दीजिए और फिर से ऑन कर लीजिए और अपने विंडोज़ को डाउन ना करें, तो इससे क्या आएगा, आपकी जो गाड़ी की माइलेज है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट आता है गाड़ी की प्रॉपर मेंटेनेंस। जब भी आप कोई गाड़ी शोरूम वगैरह से खरीदते हैं तो क्या वो आपको, जब भी आप खरीदते हैं तो वो आपको एक ओनर मैनुअल देते हैं। ओनर मैनुअल में लिखा होता है भी कब कब आपको अपनी गाड़ी की किस पार्ट की कैसे सर्विस करवानी है, तो आप अपने ओनर मैनुअल के अकॉर्डिंग उस गाड़ी की हर पार्ट की सर्विस करवाएं, तो इससे भी आपकी जो माइलेज है वो इंक्रीज होगी। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और ऐसी और भी मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए गुड बाय।